अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ हो तो वो जो फोर्स जो वर्क करेगा वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज को प्रोड्यूस कर देगा। आप नोट कर लें इसको, नेट चेंज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाई द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं, द नेट चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल बी इक्वल टू द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब जब भी किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई होता है, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों ही केस में ये बात करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और जो चेंज होता है वो किए गए वर्क के इक्वल में होता है। आज हम इसी को प्रूव करने जा रहे हैं। तो चलो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स के लिए पहले प्रूफ करते हैं, बाद में हम वेरिएबल फोर्स के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। स्टेटमेंट आप लोग समझ चुके हैं, क्या है स्टेटमेंट, आइए प्रूफ करते हैं। पहले प्रूफ कर लेते हैं फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। मान लो कि किसी बॉडी पर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है, कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया है F, ठीक है। तो लेट ए कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी राइट विच changes the velocity of the body, changes भाई force है तो velocity को change तो करेगा ही, acceleration को produce कर देगा ना, हाँ मगर force constant है तो acceleration भी constant रहेगा। So let a constant force F is applied on a body of mass small m, right, which is moving with velocity small u, then which changes its velocity from u to v with constant acceleration small a, then by third equation of motion जरा बताएं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर गई, मान लेते हैं कि एस का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, थर्ड इक्वेशन कहता है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सही बात है कि नहीं बोलो, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद इन द चेंजिंग ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं v square माइनस u square इक्वल्स 2as, एक काम कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ही तरफ, आप हाफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई हाफ m टू बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें हाफ m से, जरा समझिए क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स 1/2 एम इंटू 2as। देखिए ध्यान से 2 and 2 कैंसिल आउट, इस तरफ समझिएगा हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, और इधर क्या बचेगा बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फर्दर जरा समझिएगा, के एफ माइनस के आई चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। भाई बॉडी की जो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज हैं वो हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल्स एम ए एस मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज द कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाइड एफ बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड दैट इज एफ इंटू एस। वॉट इज दिस वन, दिस वन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई द कॉन्स्टेंट फोर्स। सो फाइनली हमने दिखा दिया कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के ही इक्वल होगी। चलिए इसी बात को हम प्रूफ करते हैं जब ऑब्जेक्ट पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हुआ। आइए अज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट पर कोई वेरिएबल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है, और वेरिएबल फोर्स को अप्लाई जब हमने किया है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हर बार चेंज हो रहा होगा। बहुत थोड़े से टाइम के लिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पर हमने वेरिएबल फोर्स को अप्लाई किया है जो उसकी वेलोसिटी को u से v चेंज कर देता है फॉर ए वेरिएबल फोर्स। फॉर ए वेरिएबल फोर्स आप जरा देखें, तो वेरिएबल फोर्स जब अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम काफी टाइम तक लेंगे तो चेंज का रेट कुछ अलग अलग आएगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग मिलने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए हम वेलोसिटी में चेंज को फाइंड करेंगे। व्हेन द वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड देन व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द चेंज इन द वेलोसिटी विद इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और हम उस टाइम पर वर्क को फाइंड करने के लिए वेरिएबल फोर्स जो वर्क करता है उसके लिए फार्मूला होता है W इक्वल्स इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम X1 टू X2, इसे अप्लाई कर देंगे। सो फॉर द वेरिएबल फोर्स सी हियर, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स बताएं क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल एफ डी एक्स। और जरा समझिएगा, यहां पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, आओ एक काम कर देते हैं, फोर्स को रखते हैं, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो इसको ए नहीं बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डीवी बाई डी टी, एफ इक्वल्स एम ए एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आइए इंटीग्रल एम ऐसा कर सकते हैं डी एक्स को पहले कर लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी दैट इज एम टाइम्स ऑफ इंटीग्रल डी एक्स अपॉन डी टी। क्या चीज है, डी एक्स अपॉन डी टी इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजिशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बॉडी में काफ़ी कम इंटरवल ऑफ टाइम में उसी का रेट है ये, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। तो हम इसके प्लेस पर v को रख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी वी होता है, सो इंटीग्रल v डी वी। अब एक काम करिए, हमें ये वर्क फाइंड कब करना था, फोर्स जितने टाइम तक बॉडी पर अप्लाइड था, मान लो कि फोर्स जितने टाइम तक बॉडी पर अप्लाइड था उस ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v कर देता है, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो इनिशियल u टू v रखना पड़ेगा। अब आइए नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v बाय द वेरिएबल फोर्स इज m इंटीग्रल v dv फ्रॉम u टू v दैट इज m इंटीग्रल v dv, इंटीग्रल v dv इक्वल्स v स्क्वायर बाई 2 है ना, बोलो v स्क्वायर बाई 2 जो कि फॉर्मूला है, इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, कंडीशन याद रखिएगा। सो यहां इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2 एम वी स्क्वायर बाई 2। अब एक काम करिए लिमिट को लगा दीजिए फ्रॉम u टू v दैट इज m विद इन ब्रैकेट अपर लिमिट v स्क्वायर लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2। वॉट इज दिस,
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो फिर देखो वही बात हमको मिल गई है ना, द नेट वर्क डन बाई ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू।